सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है गौरव उड़ानिया आईएएस। और आपके बहुत सारे ऐसे कॉमन डाउट होते हैं, जैसे हम प्रीलिम्स 2024 को लेकर विशेष करके वीडियो करने वाले हैं, तो आपके डाउट होते हैं कि टेस्ट सीरीज कौन सी करनी है, करंट अफेयर कौन सा पढ़ना है, इस समय कौन सा पढ़ें, रिविजन कैसे करें। बहुत सारे ऐसे हम डाउट को लेकर आज चलने वाले हैं जो आपके कॉमन डाउट है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपका रिजोल्यूशन वाला वीडियो था उसमें बच्चों ने इतना प्यार और कमेंट भर भर के दिए हैं, मज़ा आ गया। मतलब नहीं बिल्कुल, मतलब कि आपको इस साल में यदि पूरा अपना टारगेट को अचीव करना है तो बहुत सारा आपको डेडिकेशन, बहुत सारा मोटिवेशन और बिल्कुल बहुत सारी एनर्जी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो, हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, सब लोगों ने ना सपने अपने कंधों पे टांग रखे हैं हाँ और सब लोग ना दौड़ रहे हैं उस कंधों को लेके कि इन सपनों को अपनी मंजिल के पास ले जाएं। तो जो बैठ गया, जो सो गया, जो थक गया, उसके लिए वही चीज़ें बचेंगी जो एक असली दौड़ने वाला है उसने छोड़ रखी होंगी। तो बिल्कुल मतलब 2024 को पूरी एनर्जी के साथ यूज़ करना है और आज हम आपके सारे डाउट्स सॉल्व करेंगे। जैसे कि ना, मतलब कि क्या रिवीजन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ कैसी हो, PYQs कैसे हो, मतलब जो भी है ना, मतलब आपकी तरफ से मोस्ट कॉमन डाउट जो भी आपने धर्मेंद्र सर को पूछे होंगे वो मुझसे बिल्कुल पूछेंगे। और मेरा जो जो भी ओपिनियन है, मतलब सबका ओपिनियन देखो वेरी करता है। मैं ये भी हाँ बता दूं कि आपको ना उनमें से जो चीज़ काम की लगे ना वो अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर है ना, मतलब कि मिक्स कर लेना। जैसे कोई अपन गुलदस्ता बिल्कुल बनाते हैं तो हाँ गुलदस्ते में लाल, नीला, पीला फूल सब लगते हैं। जिसके पास पीले फूल पहले से हैं तो उसको केवल दूसरे गुलदस्ते से लाल फूल ही उठाने चाहिए। तो वैसे आपकी कुछ ताकत होगी, कुछ कमजोरियां होंगी, इस वीडियो से जो भी आपको अपने लायक लगे वो आप बिल्कुल पिकअप कर लीजिए। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चों के मन में बहुत बड़ा भारी भरकम रहता है कि करंट अफेयर इस समय कौन सा पढ़े, PT 365 पढ़े, या मंथली जो पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़े, या कोई यूट्यूब फॉलो करें। बिल्कुल, तो देखो मेरा जो पर्सनल इसमें ओपिनियन है कि यदि आप मंथली मैगजीन पढ़ते हुए आए हैं अब तक, तो आपको मंथली मैगजीन ही पढ़ते रहना है। बिल्कुल हाँ क्योंकि आप न्यूज़पेपर तो देखो आपको थ्रू आउट पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर लास्ट के 10 या 15 दिनों में आप छोड़ देना, उससे पहले आप लगातार ना न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मंथली मैगजीन आप लगातार पढ़ रहे हो ना, तो मंथली मैगजीन आपको लगातार ही पढ़नी है अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी आप 2 से 3 बार पढ़ चुके हो, तो उसका एक दो रिवीजन में आपका काम हो जाएगा। यदि आप PT और किसी भी कंपाइलेशन पे जाओगे ना तो उसको 0 से पढ़ना पड़ेगा, उसके 4 से 5 रिवीजन करने में आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप ना मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर को फॉलो करें, ठीक है। बिल्कुल लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मंथली अभी तक नहीं पढ़ी है हाँ या जो न्यूज़पेपर को कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाए थे, हाँ उनके लिए कंपाइलेशन बेस्ट है। आप ना अभी 1-2 महीने 3 महीने और वेट करो, जब तक आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को पूरा कर लो, और जब लास्ट में कंपाइलेशन आ जाए ना तो कंपाइलेशन के लिए मेजर टाइम रखना। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि बाकी स्टैटिक सब्जेक्ट को उसी तरीके से लेके हाँ चल रहे हैं और लास्ट में ना कंपाइलेशन के लिए टाइम नहीं रखते। टाइम जैसे कि वो दिन के 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया तो लेकिन 2-3 घंटे में वो कंपाइलेशन पूरा नहीं कर पाते। जो जो लोग कंपाइलेशन के ऊपर, PT 365 के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं, उन लोगों को अपने स्टैटिक सब्जेक्ट ज़्यादा जल्दी पूरे करने हैं। 10-15 दिन दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में जल्दी पूरे करने हैं, तब वो PT 365 को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। बिल्कुल। एक बड़ा क्वेश्चन इसमें रहता है प्रीलिम्स के लिए कि बच्चे NCERT किताबें ओरिजिनल पढ़े, या मतलब जो कंपाइलेशन आता है शॉर्ट में वो पढ़े। तो इस समय जैसे आपका क्या अनुभव रहा है कि प्रीलिम्स में NCERT का कितना वेटेज है? देखो NCERTs का कई बार ये होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं ना, डायरेक्ट कुछ लाइनें ना पिकअप होके आ जाती हैं जो फैक्ट्स वाली, बिल्कुल वो दूसरी जगह नहीं मिलती। हाँ और कई बार है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मतलब वो क्वेश्चन को सोल्व करने वाला फैक्टर होते हैं। जैसे वो विजयनगर अम्पायर में जो म्यूजिकल पिलर वाला है, जो NCERT में डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, हाँ बिल्कुल वो कल्याण मंडपम वाला क्वेश्चन है, उस हाँ तरीके के क्वेश्चन जो NCERT में डायरेक्टली मेंशन है। तो इस समय मैं ये बोलूंगा, देखो कंपाइलेशन पे आप जा सकते हो यदि आपने अच्छे से पहले पढ़ रखी है तो, लेकिन यदि जिसने ना बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखी, उसके लिए मेरा एकदम सिंपल सा ये कहना है, आप तो बुक लाओ और उस बुक को पढ़ो, प्रीलिम्स की नज़र से पढ़ो। प्रीलिम्स की नज़र से पढ़ोगे ना तो आपको ना एक पेज पे 4-5 से ज़्यादा लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगी। जैसे आप पहली लाइन पढ़ी कि बहुत सारे ट्रेवलर्स आए जिन्होंने इंडिया के हिस्टोरिकल और भूगोलिक चर्चा की, उन उनमें से कुछ ट्रेवलर्स इस देश से होके आए, इससे आए, इससे आए, उनने आपको बताया कि वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फिर आपको पता चलेगा कि इस XYZ ट्रेवलर ने ये किताब लिखी, तो आपको लग रहा है ये एक फैक्ट है जो किताब में पूछ सकते हैं, उसको आप क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, बिल्कुल फिर वापस पढ़ो। आपको 3-4-5 लाइनों में लगेगा ये मेंस के लायक कंटेंट है या नॉर्मल कंटेंट है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो NCERT में आप फैक्ट अब देख लो, ठीक है,
तो आप जैसे एनसीआरटी, सारी एनसीआरटी जिस गेम है, ज्योग्राफी की पढ़नी है अपने को बिल्कुल और एक हिस्ट्री की पढ़नी है, हाँ आर्ट हाँ एंड कल्चर की पढ़नी है, इन तीन के अलावा पॉलिटी इकोनॉमी की उतनी ज़्यादा जरूरत होती नहीं है क्योंकि वो हाँ ऑलरेडी दूसरे सोर्सेज में हाँ कंपाइल्ड होती है। पॉलिटी की पढ़ो तो आपको 11th क्लास वाली एक और पढ़ लेना, ठीक है। तो अपने पास ये इतने सब्जेक्ट हुए, आर्ट एंड कल्चर की एक ही किताब आती है और बिल्कुल पॉलिटी की एक किताब, तो वो तो दो किताब है, तो वो तो छोटी सी है। तो आपके पास केवल बचा हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में यदि आप ना 5 दिन भी, एक हफ्ता भी, आप ये सोच लो पहला साल हफ्ता ना मैं एनसीईआरटी को दे दिया, एक हफ्ते के अंदर आप सारे फैक्ट्स को क्या कर लोगे, मतलब एकदम हाईलाइट कर लोगे, और उन फैक्ट को आप है ना बहुत जल्दी फिर आप क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे। तो ओरिजिनल एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं ना उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार 7 दिनों में आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद सारी एनसीईआरटी एक दिन में रिवाइज कर पाओगे। बिल्कुल एक तीसरा डाउट रहता है बच्चों को, PYQs को लेकर रहता है। बहुत सारे बच्चे जो बार बार प्रीलिम्स फेल हो रहे हैं, वो PYQ कभी देखते ही नहीं है। एक PYQ के साथ मेरा मानना है कि जैसे आपने ये किया नहीं किया कि UPSC की जो और एग्ज़ाम है, CDS, NDA और CPF, उनके भी PYQ आपने देखे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि PYQs आपको करने हैं। मैं तो यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते थे ना, तो जैसे कि अपना यूपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम है, इसमें 2013 से जब से पैटर्न चेंज हुआ ना, उसके बाद बिल्कुल के आपको ना मतलब PYQs के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसपे अपनी बुक भी आती है बिल्कुल और उसमें हाँ काफ़ी ज़्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पूरा बताया हुआ है। तो एटलीस्ट आपको उस बुक को ना मतलब देखना चाहिए, एटलीस्ट मतलब यदि आप नहीं भी पढ़ो तो आप वो देख लो कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग किस तरीके से होती है, वो बिल्कुल उतना आप वहाँ से देख सकते हो, बुक स्टोर पे जाके कहीं भी आप हाँ देख सकते हो। उसके बाद सेकंड, जैसे आपने पूछा CDS NDA वगैरह के जो पेपर है उनको भी देखते क्या, जो पिछले 1 साल के अंदर हुए हैं ना उन्हीं पेपर, उनके बिल्कुल अलावा जैसे आप यदि आप पिछले 10 साल के CAPF के पेपर देखो, NDA पेपर देखो, CDS के, तो बहुत ज़्यादा पेपर हो जाते हैं। तो मैं हाँ मतलब जनरली कोशिश करता था कि जो रिसेंटली जैसे 1-1.5-2 साल के अंदर जो पेपर हुए हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 2024 के अंदर यदि दे रहे हैं, तो 2023 के जितने भी पेपर हुए या 2024 के इनिशियल 5-6 महीनों के अंदर जो भी बिल्कुल पेपर हुए, उन 1.5-2 साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको देखता था। और हमारे टाइम पे हुआ भी था, एक 12 सिंगा वाला क्वेश्चन था जो रिपीट CAPF में था और वो डायरेक्टली ना मतलब कि UPSC में रिपीट हो गया था। तो हाँ पिछले आप, और यदि किसी को थोड़ा और ज़्यादा टाइम है तो 5 साल से ज़्यादा का ना मतलब पुराने पेपर्स में ना मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर क्वेश्चन है ना रिपीट नहीं आते। वो हम दूसरे एग्जाम को देखते इसीलिए कि अपने को जो UPSC एग्जामिनर का माइंड सेट को थोड़ा सा समझ लें, बिल्कुल रिसेंट ट्रेंड हम उसे पता लगा समझ सकते लें। हैं। हाँ हाँ तो इस वीडियो के माध्यम से हम गौरव सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको पता है जो अपनी PYQ वाली इंग्लिश मीडियम की बुक है, गौरव सर ने उसमें बहुत सारा इनोवेशन और सजेशन दिया, बहुत सारे जो स्मार्ट तरीके उसमें लगाए गए हैं। आप उस किताब को जरूर देखना, बहुत मतलब बच्चे जिनके हाथ में गई है मतलब इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं हाँ उस चीज़ को, प्रयास को। तो इस वीडियो के मेरे माध्यम से पास हम आपको भी भी काफ़ी सारे मतलब कि मैंने भी क्या है ना कि मेरे पास 3-4 बुक आई ना, तो मैंने कुछ सीरियस स्टूडेंट्स को मतलब कि गिफ्ट किया था और उनसे ना मतलब सजेशन पूछे थे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये भी करना यार कि जो भी जो बुक को जिसने भी पढ़ा है और उसको किसी प्रकार का सुधार की ज़रूरत है ना, तो हम जैसे कि नेक्स्ट ईयर उसको वापस से जब अपडेट करेंगे तो उनको सुधारों को हम उसमें ले लेंगे। तो आपको बिल्कुल जिनको भी जो भी सुधार चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते कमेंट हैं। और ईमेल दिया गया है उनको तो हाँ, बता सकते ईमेल हैं। पे भी आप बता सकते हाँ हैं। तो नेक्स्ट हम डाउट पे चलते हैं जो इस समय कॉमन काफ़ी रहता है कि इस समय बच्चे ये भी सोचने लगते हैं कि उनका मेंस तैयार नहीं है या उनका थोड़ा सेक्शन तैयार है तो क्या वो प्री इस समय दे या नहीं दे। ये डाउट अभी ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिल रहा है कि वो स्किप माइंड सेट सोचने लगे कि स्किप कर दे, नेक्स्ट ईयर कर ले। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं यार देखो, स्किप माइंडसेट अभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी भी है ना मतलब एक महीना 40 दिन आप ना अभी भी आप तैयारी कर सकते हो मेंस की, तो मतलब उतना हो सकता है, ठीक है। और जिनको ना प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो वो ये कह सकते हैं जो कॉमन सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है, बिल्कुल तो उन कॉमन सब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो ना कि अभी से ना मतलब उनकी आंसर राइटिंग भी कर लो, ताकि वो आंसर राइटिंग भी हो जाएंगे, प्रीलिम्स के लिए तैयार भी होते जाएंगे, हाँ दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन जिसको लगता है कि उसका ऑप्शनल 50% से कम है और जिसका ना GS का सिलेबस भी 50% से कम है, दोनों सिलेबस यदि 50% से कम है, तो फिर उसको अपनी तैयारी को वापस से रीथिंक करना चाहिए और उसको मतलब कि अगले ईयर के लिए स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। लेकिन जिनको लगता है कि GS उनका ठीक ठाक तैयार है, ऑप्शनल भी 50% से ज़्यादा है, तो आपको नेक्स्ट जो 3.5 मंथ्स प्रीलिम्स के बाद 3 मंथ्स बिल्कुल मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। और जो प्रीलिम्स के साथ आप जब तैयारी करोगे, जैसे 6-7 सब्जेक्ट आपके हाँ तैयार हो जाते हैं, और आजकल तो क्या हो गया ना सोसाइटी IR वगैरह की करंट अफेयर भी अपन पढ़ते हैं, तो मेंस का बहुत ज़्यादा जो फोडर मटेरियल होता है ना वो इसी टाइम पे आपका तैयार हो जाता है।
तो जिनका भी 50% से ऊपर जो भी चल रहा है ना, उनको ना मतलब एग्जाम स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम स्किप करने का सोचोगे ना, तो आपकी पढ़ाई जो 12 घंटे हो रही थी वो 6 घंटे पे आ जाएगी। तो आपको लगातार एकदम लगे रहना है, फिर भी आपको लगे कि प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुआ, तो ये डिसीजन आपको लास्ट के 7 डेज में लेना है, अभी उसको नहीं लेना, क्योंकि अभी ले लोगे तो फिर पढ़ोगे नहीं। और लास्ट हम लेते हैं एक बच्चे इस समय परेशान है सीसेट को लेकर, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर देखा हमने और बच्चे 1-2 महीने पढ़ते थे कि क्वालिफाइंग करना, तो इसको लेकर क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए? तो सीसेट को लेकर सिंपल सी एक रणनीति आप रखो कि आपको ना डेली ना 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, डेली 20 क्वेश्चन। और कभी ना मैं बता रहा हूँ इस सिंपल स्ट्रेटेजी में आप पूरा यकीन रखो, आँख बंद कर लो, आपको ये सोचना ही नहीं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, उस फिलोसॉफी पे जाना है। 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली सोल्व करने हैं, 20 से 25 बिल्कुल हाँ। लेकिन यदि आप अगले 100 दिनों के लिए कर लोगे 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे और उनका इम्पैक्ट देखना, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। लेकिन किसी भी दिन स्किप नहीं करोगे ये गारंटी लेनी हाँ। जैसे मैंने रिजोल्यूशन वाले वीडियो में बताया था, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो 100 यदि आप 20-25 क्वेश्चन डेली करोगे ना, तो एक भी दिन स्किप मत करना, आपका सी सेट देखना कितना मजबूत हो जाएगा। पहला दूसरा है कि ना वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपने पहले सोल्व नहीं किया हुआ और आपको लगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने कभी भी जिंदगी में सोल्व नहीं किया या देखा भी नहीं, उसमें टाइम खराब मत करना, उसको वहीं छोड़ देना। क्योंकि कई बार बच्चे ना 4-5 मिनट लगाते हैं, फिर है ना मतलब यदि आपको लगे कि आपने जैसे कि लास्ट में 20 मिनट बचे और फिर उन क्वेश्चन पे आ सकते हो जो आपने कभी नहीं देखे। लेकिन कई बार ऐसे होता है बच्चे क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाता है जो उसने सोल्व नहीं किया और वो सोचता है वहाँ पे सोल्व हो जाएंगे और उसमें टाइम वेस्ट कर देता है, और जो क्वेश्चन उसके ईजी क्वेश्चन थे या उसके कोर जोन के क्वेश्चन थे जो वो सोल्व कर सकता था, उनके लिए फिर टाइम नहीं बचता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ये आदत डाल लेनी है कि हर दिन 20-25 क्वेश्चन सोल्व करो। दूसरी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए ईजी क्वेश्चन कौन से हैं, मॉडरेट क्वेश्चन कौन से हैं, हार्ड क्वेश्चन कौन से हैं। जो भी हार्ड और अननोन क्वेश्चन आए उनको लास्ट के टाइम के लिए रखो। ईजी क्वेश्चन अभी भी जैसे सी सेट के 80 क्वेश्चन थे, उसमें से 30 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आप सोल्व कर सकते थे। जो लोग पिछली बार फेल हो गए वो भी एक बार घर पे उन क्वेश्चंस को वापस लगा के देखो, आपको लगेगा कि वो हो सकते थे वो क्वेश्चन, बस हमने थोड़ा सा ना मतलब वहाँ पे क्या है ना कि हार्ड क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा दिमाग चला जाता है और वो मेजोरिटी क्वेश्चन होते हैं। जैसे मतलब कि मानो 40 क्वेश्चन हार्ड हैं, 40 इजी हैं, तो 40 क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहते हैं, तो वो फिर है ना मतलब कि हम इजी वाले क्वेश्चंस में भी गलती कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, तो सी सेट भी आपका काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपकी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे सुलझी होगी, और ऐसे ही स्मार्ट वीडियो देखने के लिए गौरव सर का जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जानता हूँ गौरव को बहुत नज़दीक से। यदि इनकी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो तो इनकी रैंक आप देखते हो, आरएस में 12 रैंक है, आईएस में 13 रैंक है, पहले अटैम्प्ट में इन्होंने रैंक पाई है। तो ऐसे स्मार्ट मतलब आप देख लो इनकी चीज़ें फॉलो करना, मज़ा आएगा, मैं भी फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। थैंक यू, सभी लोग लगे रहो और 2024 में आपको रॉक करना है। बिल्कुल, थैंक यू।